वक्त मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार शराब कांड से जुड़ी हुई है। नकली शराब के मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी रामबाबू को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है मुख्य आरोपी, जिसका नाम रामबाबू बताया जा रहा है। बिहार शराब कांड से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार शराब कांड पर ये बड़ी खबर, हम आपको बता दें कि इसका जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी रामबाबू को गिरफ्तार किया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हुई थी और उस मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर WHO ने फटकार लगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम ने कहा है कि चीन पारदर्शिता के साथ देश में कोविड से जुड़ी जानकारियों को लगातार दुनिया के साथ साझा करे। चीन शुरुआत से ही कोविड की सही जानकारी दुनिया से साझा नहीं कर रहा है और यही वजह है कि कुछ दिनों पहले भी WHO ने चीन से कोरोना से जुड़े आंकड़े मांगे थे और एक बार फिर से अब फटकार लगाई गई है। चीन में कोरोना वायरस के बिगड़े हालात पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले हैं। खबर है कि चीन ने पूरी दुनिया को आफत में झोंकने की तारीख भी तय कर दी। पूरी दुनिया तक कोरोना का एक्सपोर्ट करने के लिए चीन तैयारी पूरी कर चुका है। अंदेशा यह है कि 8 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की नजरों के सामने से चीन की साजिश का पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी ही वो दिन होगा जब चीन की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आएगी। पिछले 2 हफ्तों से जिस देश में शवों का अंबार लगा है उसकी पूरी हकीकत दुनिया को पता चलेगी, क्योंकि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने तय किया है कि वो कोरोना से जुड़े आंकड़े 8 जनवरी को जारी करेगा। चीन ने फैसला किया है कि वो हर दिन की बजाय अब हर महीने आंकड़े जारी किया करेगा। अगर 8 जनवरी को जारी होने वाले आंकड़ों में चीन ने सच बोल दिया तो दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन दुनिया के लिए सिर्फ ये आंकड़े ही टेंशन की वजह नहीं बनेंगे, बल्कि चीन के 8 जनवरी वाले प्लान का दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पता चला है कि 8 जनवरी से ही चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से जुड़े सारे प्रतिबंध खत्म कर देगा। न चीन में आने पर किसी तरह की रोक होगी और न ही चीन से जाने वाले यात्रियों के लिए कोई नियम होगा। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कोरोना वायरस के आने से पहले हुआ करता था। 3 साल से चीन ने अपने देश के लोगों को किले जैसे घेरे में बंद किया हुआ था। चीन में ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है जो दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं और नौकरी के लिए चीन पहुंचे थे। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार चीन से बाहर रह रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी गिनती विदेशों में काम करने वाले चीन के नागरिकों की भी है। बंदिशें खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतने बड़े पैमाने पर होंगी जिसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। लेकिन चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण ये यात्राएं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक दिन पहले ही इटली पहुंची चीन की एक फ्लाइट के आधे यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे।